नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीषा मुनीषा फैशन अब बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक सुंदर ड्रेस जो कि इंडियन भी है और वेस्टर्न भी है। ये देखिए, हम आपको कॉलर दिखाएंगे जो ड्रेस रेडी करेंगे, तो ये कॉलर आज हम आपको सिखाएंगे जो कि लेडीज कॉलर है, इसको हम लेडीज कॉलर कहते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ड्रेस बना है, इसकी जो हमने इसमें सीकर डाला हुआ है, ये फ्रंट से शॉर्ट्स है और बैक से हमने इसमें लॉन्ग रखा हुआ है, तो ये बहुत सुंदर ड्रेस बना हुआ है। हम इसको अगर वेस्टर्न में डालेंगे तो हम इस टॉप के जींस के साथ या फिर हम कैपरी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, और अगर हमें इसको इंडियन में वेयर करना है तो हम इसके नीचे प्लाजो या स्कर्ट भी लगा सकते हैं। तो ये बड़ी सुंदर प्यारी ड्रेस है। ये देखिए, इसमें हमने कफ्स डाले हुए हैं, गैदर्स डाली हुई है, बट हम आपको इस वीडियो में दोस्तों कॉलर दिखाएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग स्किप कर देते हो, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। हाउ द जोस, यस, हाई रहना चाहिए, जोस हमेशा हाई रहना चाहिए। दोस्तों मैथाली राज को तो आप जानते ही होंगे, जो कि एक भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने एक ही पारी में 214 रन बनाए थे और इतिहास रचा था। फर्स्ट टाइम उन्होंने इतने ज़्यादा रन बनाए थे अपने बैट से। तो दोस्तों मैं उनसे इंस्पायर होकर रात के 12:30 बजे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, और एक आपको एक सुंदर सा डिज़ाइन दिखाऊंगी। नेक के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कॉलर नेक कैसे लगाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये सी कट में हम ड्रेस बना रहे हैं, तो हमने वी कट डाला हुआ है, अब हम इसमें लगाएंगे कॉलर। ये हमने 3-3.5 इंच पर हमने नेक बनाया है, ये हम क्लासेस में आपको सब कुछ सिखाएंगे, बट अभी हम आपको नेक के बारे में बताएंगे कि कॉलर नेक कैसे लगाया जाता है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर कॉलर नेक, तो अब देखते हैं। आप भी पूरे जोश के साथ, जैसे मैं रात को जोश से आपको सिखा रही हूँ, आप भी उठिए और सीखिए। ये देखिए दोस्तों, अब हम बैक नेक की करेंगे कटिंग। फ्रंट बैक हमने जोड़ लिया है, अब हम बैक नेक की करेंगे कटिंग 1 इंच पर, 1 या 1.25 इंच पर। सीजर ये हम बैक ये देखिए हमारी बैक कट चुकी है। अब हम लगाएंगे इसमें कॉलर। सबसे पहले हम इसको नापेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम नापेंगे। कैसे नापते हैं हम कॉलर? ये सेंटर बनाएंगे, ये देखिए हम ऐसे नापेंगे इसको। साढ़े आठ हमारा कॉलर आया है, 8.5। और अब हम फ्यूजिंग पेपर, कॉलर हम बनाएंगे फ्यूजिंग पेपर का और हम इसको पेस्ट करेंगे। अब हम कॉलर को पेस्ट करेंगे। साढ़े आठ यानी कॉलर हमारा 17 इंच, डबल था ना वो, अगर हम खोल लेंगे तो 17 इंच का हो जाएगा। हम पेस्ट करेंगे, हम एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि कपड़ा थोड़ा स्लिपी है।
हम मार्जिन का अलग से लेंगे, पहले हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। ये लेडीज कॉलर है दोस्तों, 3 इंच का काफी रहेगा क्योंकि लेडीज कॉलर चौड़ा होता है। अगर हम जेंट्स कॉलर बनाते हैं वो उसमें बैन होती है, जो जेंट्स कॉलर बनाते हैं वो बैन के साथ बनता है, जो लेडीज कॉलर बनाते हैं उसमें बैन नहीं होती, वो बड़ा होता है। तो हम 3 इंच का लेंगे। इसको हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा अलग से निकालेंगे ताकि इसकी नोक अच्छी निकल जाए। आपकी मर्जी है, आप जितना भी निकाल सको, जिसको जितनी नोक की ज़रूरत होती है, जितना अच्छा पीस बनाना है। और ये हमारा मार्जिन रहेगा और अब हम इसको कट करेंगे। कमेंट करके आप पूछ सकते हो अगर समझ में ना आए। इसमें हम नीचे शेप भी दे सकते हैं, हल्का सा हम इसको राउंड भी दे सकते हैं, हम इसको स्ट्रेट भी लगा सकते हैं और राउंड में भी हम इसको लगा सकते हैं। ऐसे, क्योंकि गर्दन पे अगर हम राउंड में देंगे तो इसकी अच्छी फिटिंग आती है, तो हम राउंड में भी लगा सकते हैं। और अब हम सेकंड पीस, ये हमारा एक पीस निकला है, हमें 2 पीस निकालने हैं। अब दूसरा पीस भी हम इसको रख के निकालेंगे। अब हम हल्का सा इसमें राउंड लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ये देखो, ये नीचे भी, ताकि हमारी गर्दन के आकार में ही ये आ जाए। अब ये देखो दोस्तों, मैंने ये भी हम फोल्ड कर लेते हैं। वो मैंने सिंगल कट किया था और दोनों पे मैंने फ्यूजिंग पेपर लगा दिया है। ब्लैक लगाया मैंने फ्यूजिंग पेपर, क्योंकि जो मैं पीस बना रही हूँ वो कॉफ़ी कलर का है, तो इसमें ब्लैक चलेगी, वाइट नहीं चलेगी, तो मैंने ब्लैक लगाया है। और दोस्तों अब देखिए, ये मैं ऐसे सेट करके इकट्ठा कट करूँगी। अभी आपको इसमें और भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने नीचे राउंड लिया हुआ था दोस्तों, वो हम कट करेंगे। ये ऊपर भी हमने हल्का सा राउंड लिया था, वो हम कट करेंगे ऐसे। ये देखिए दोस्तों, कॉलर रेडी है। इस पर मैंने जो फैब्रिक ऑर्गेंजा का ये फैब्रिक है, ये मैंने इसमें एक सिलाई लगाई है, ताकि नीचे लाइनिंग है, अस्तर या लाइनिंग, ये मैंने लगाई है। और ये हमारा कॉलर तैयार है, कितना सुंदर प्यारा कॉलर। अब तो दोस्तों, ऑर्गेंजा के जो भी हम सूट सिलते हैं तो उनमें टाइम लगता ही है, क्योंकि हमें उनमें फिनिशिंग देनी होती है। ऑर्गेंजा हो गया और सिल्क में हो गया, क्रेप हो गया, तो सिल्क के होते हैं। कोई कितना भी परफेक्ट क्यों ना, कोई ये क्यों ना बोलता हो कि मेरे से ऊपर मास्टर नहीं है, उसको भी टाइम लगता है। हर किसी को टाइम लगता है, प्रैक्टिस करते रहे, बस दिल से बनाए, पीस अच्छा बनाए, बन जाएगा, सब कुछ हो जाता है। तो हम स्टिचिंग पर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने फ्रंट पे, मतलब एक साइड कॉलर के हमने कपड़ा अटैच किया है, वैसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। ये ऑर्गेंजा का फैब्रिक है,
हम पूरे में इसमें सिलाई लगाएंगे। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, मैं हर बार आपको बोलती हूँ दोस्तों, बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी मास्टर बन जाओगे। इस फील्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमें खुद से ही परफेक्ट होना पड़ता है बार बार प्रैक्टिस कर कर। हमें खुद से ही प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से काम कीजिए। सब ऐसे ही होते हैं, सबको सिर्फ मशीनें चलानी आती हैं, बाकी सब प्रैक्टिस से सीख जाते हैं। सब ऐसे ही होते हैं, माँ के पेट से कोई भी तैयार होके नहीं आता, सब यहीं पर आकर सीखते हैं। अब हम करेंगे कटिंग। अब हमने दोनों को कर लिए अटैच, अब हम बनाएंगे कॉलर। अब हम दोनों कॉलर को सेट कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, अब हम डालेंगे इसमें धागा ताकि इसकी नोक निकल सके। ये देखिए, अब हम इस धागे को करेंगे अंदर। दोस्तों आपको पता है, अब हम लगाएंगे इसमें सिलाई। मुझे सबसे ज्यादा डर बैन और कॉलर से लगता था, सबसे ज्यादा। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, प्रैक्टिस हर कोई कर सकता है। इस फील्ड में कोई भी मास्टर नहीं होता, प्रैक्टिस करते हैं तो सबको आ जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था बैन और कॉलर से, आते ही नहीं थे। तो अब आपके सामने बना रही हूँ। ये देखिए, अब हम इसको उल्टा करेंगे। ये जो हमने धागा लगाया था, ये नोक निकालने के लिए हमने लगाया था, इससे नोक अच्छी तरह निकल जाएगी। ये देखो, ये नोक निकल गई। ये देखो, ये नोक अच्छे से निकल गई है। अब हम लगाएंगे इस पर प्रेस।
अब हम एक बार इस पर प्रेस लगा लेते हैं। हम कॉलर अटैच करेंगे। पहले हम देखो नोक हम निकाल चुके हैं, इसकी प्रेस लग चुकी है और अब हम एक साइड ओपन रखना है और एक साइड हमने इस पर सिलाई लगानी है। ये देखो मैंने प्रेस से फोल्ड किया हुआ है एक साइड हल्का हल्का, ये देखो ये मैंने ऐसे ही फोल्ड किया हुआ है। एक साइड ऐसे रखना है और एक साइड हम लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड से लगाएंगे ताकि कॉलर पूरा आए ऐसे। ये निशान पूरा पूरा आएगा। ये अब हमारा बीच का रह गया है, अब हम बीच से लगाएंगे। देखो परफेक्ट पूरा आया है, ये देखो। ये देखिए बिल्कुल पूरा परफेक्ट कॉलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट कॉलर आया है। बैक से देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट कॉलर आया है, देख रहे हो ना आप। ये लेडीज कॉलर है। अब हम एक सिलाई इसमें, ये जो हमने ये दिख रहा है तो हम ऐसे लगा देंगे, इसमें जो मार्जिन है वो अंदर चला जाएगा और ऐसे हम इसमें सिलाई लगा देंगे। और ये देखो कितना परफेक्ट कॉलर आया है, बड़ा प्यारा एकदम बहुत अच्छे से परफेक्ट कॉलर आया है, ये देखिए। तो दोस्तों सब पूछते रहते हैं कि आप कहाँ से हो, वैसे मैंने बताया हुआ है पर फिर मैं दोबारा बता देती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, रहती चंडीगढ़ हूँ, सेक्टर 44 मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। मेरा बुटीक चंडीगढ़ में है और मैं कोचिंग भी चंडीगढ़ से ही दे रही हूँ, पर मैं बिलोंग हरियाणा से करती हूँ, हरियाणा करनाल से। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको कॉलर समझ में आ गया होगा कि कॉलर कैसे लगाते हैं। बाकी डरना नहीं है, आप भी कर सकते हो, हम सब कर सकते हैं, बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम कर पाएंगे। ऐसे ही हम नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, वेस्टर्न इंडियन सब कुछ, अच्छी अच्छी ड्रेसें बनाएंगे हम, अब्रॉड में भी अपने पीस अच्छे अच्छे बनाकर भेज सकते हैं, खुद से एक अच्छा पीस तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।